let it bang bang. माइनर का कॉल जला उपसारणी कॉल जला सारणी उपसारणी ठीक आगे कोऑपरेटर का कॉल जला सॉरी कोऑपरेटर का कॉल ठीक अब देखो सौ खाना माइनर में क्या होगा कोनो का हमने गुणा कराम जे देखो एगो हमने के अभी मेट एथि देले बा डिटरमिनेंट देले बा साइन देले बा साइन का हमने के ले जाय वाला पार्ट के a11 ले लिया हाई वाला पार्ट a12 हाई a13 हाई a21 a22 a23 हाई a31 a बोले के a33 ये हमने जो कहा 3/3 के मैट्रिक्स ऑफ पहले हमने सीखा जो कि माइनर मिनर के निकल जाएगा उपसारणी के निकल जाएगा ठीक तो ये बताओ हमने के जब एक एक्सटेंशन करम जाए एकरा के एम से प्रदर्शित करिए ना अगर हमने कोनो अवयव के कहि तो उपसारणी निकाल लेबो कोनो अवयव के हमने मान लो a11 के उपसारणी निकाल लेबो का निकाल लेबो उपसारणी तब तक बतैले बानी कि a1 के मान लो हमने a1 का माइनर निकाले का a1 का हमने माइनर निकाले का उपसारणी निकाले का तो a11 के निकालो तो जोने का हमने उपसारणी निकाले करला हमने को का कहियो ओकर रो रोज है काला कालम बंद हो जी तो हमने के दू को मैट्रिक्स बाची नु जोन अवे बाची उ हम ने का कहला उप साइन कहला कोने के उ अवे के कहला तो हमने के ए वन वन करने ले जा हमने का चार को बाची चार को कौन कौन बाची ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये हमने का हो ए वन वन के माइनर हो उप साइन को ये हमने के एक वैल्यू निकाले को तो निकाल लेबो क्रास गुणा करा दबा ताई का जी a22 into a33 minus a32 into a22 ये हमें को वैल्यू आ जी है बा ये हमें क्या हो a1 उनके माइनर हो समझा कोई वही तरह हमें क्या अब कौनो के निकाले कोई तो निकाल लगो कि ना क्वेश्चन कर दो कौनो के निकालो a22 के निकालो हमने एक लाइन निकाले थी या मोर निकाले हुआ हम एट टू टू के निकाले हैं बताइयो एट टू टू के उपसारणी के निकाले कब तो हो जाएगी एट टू वन इनटू एट थ्री थ्री इसको पढ़ने बार बस बस समझे कब कि उपसारणी क्या है भाई वाला देखो जो ना अवे के निकाले तो रहेला ऊपर रो बंद ऊपर कालम बंद भाई वाला कालम बंद भाई वाला बंद जो एलिमेंट बाकी वो करेंगे लिख दो तहिया का बा ए11 ए11 का बा ए A13, A31, A33. ये हमने क्या कहा? A22 के साथ निकाला। ये कहा जी? गुणा करना था बता A11 into A33 minus A31 into A13. ये हमने क्या कहा? नहीं भाई। ठीक? तो यही तरीके में और 3/3 का हमने क्या मैट्रिक्स बना? तो हमने क्या टोटल कांति कांति निकाली? A11 के निकली, A12 के निकली, A13 के निकली, A14 के निकली, A15 के निकली, A15 कहाँ से? 4 कहाँ से? 21, 22, A23, A31, A32, A33. इन सब के निकलना? सब के हमने निकल जी। टोटल कब निकली? 9 को निकली, 9 को एलिमेंट बा, कैमरा बा। नौ एलिमेंट बा नौ एलिमेंट का निकले नौ को क्या निकली को ना क्या गलत माइनर निकली अब हमने जैसे माइनर निकाल लेनी है ठीक अब समझो कि को भेजे थे क्या काला इतना निकले निकली तो क्या क्या ये थी कोलिया ये समझ लिया कल पहले समझ लो लड़के रुके सौ खंड का काला ये काला के जन हुला हमने भी ये काला के काफी से प्रदर्शित कर लिया एम से माइनर वाला पहला अक्षर ले ए एकरा के एम से प्रदर्शित कर लिया तो एम वन निकल लिया एम वन निकल लिया नु हां एम वन वाला जगह हे वाला निकल लिया एम वन के जगह पे एम अबे ये अंक दे रही ये तो मैथिली के दे रही अंक में दे रही तो एम वन वन एम है एम वन टू है वही तो एम वन थ्री है भाई एम वन टू वन है समझा को एकरा के हम जो प्रदर्शित कर लिया एम से ठीक
अब हमने के क्या समझेगा सौ खंड का कहला सौ खंड ही कहला देखो सौ खंड का हमने ए से प्रदर्शित कर लिया ठीक सौ खंड में ये बताओ कौन अव्यूह बा देखो अभिषेक एगो अव्यूह बा हमने तीन बाई तीन के हई क्या वाला प्लस हई माइनस हई हई क्या वाला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हां राइट डाउन प्लस लास्ट वाला में प्लस ई तो हमने के 3 बाय 3 को हमने के मान लो 10 बाय 10 के बा तो कंफ्यूजन तो होगा ना 10 बाय 10 या कोनो भाई को के बा 5 बाय 5 के बा भाई प्लस हो ये फिर माइनस हो फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर आई माइनस प्लस 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 फिर माइनस प्लस माइनस प्लस देखा है माइनस हो जी प्लस माइनस प्लस माइनस तो एक ही करके ये रूल हुई लेकिन हमने के डायरेक्टली निकाले होगा कि हमने के अब ये वाला पॉइंट निकाले करवा अब ये तो ना बना के तो लिखाई ना अब ये वाला पॉइंट में निकल गो तो अब ये तो ना बनी बाकी प्लस माइनस बाद तो भैया क्या आई तो एक और एक फॉर्मूला होगा अब एक और फॉर्मूला क्या होगा साफ याद कर लो या याद करो वाला पॉइंट ये बा कि ए जब हमने निकालम जा ए का होला माइनस वन के माइनस वन के पावर क्या कर दो आई प्लस जेड कर दो कहा निकल दे माइनस पहले माइनस निकालो सीखो पहले वाला निकालो सीखो माइनस आई प्लस जेड कर दो तू जगह का निकल निकल दी मान लामी के हे वाला जगह के निकाले का बा भाई वाला जगह के निकाले का बा तो कौवा कालम हो अरे आई जो होला हमने के का होला रो होला तो रो कौन हो तीसरा हो आ कालम कौन हो आई हमने के का दर्शावला रो दर्शावला आई कालम कौन हो दूसरा हो हमने कहे निकाले के बा तो ये आई वन के पावर क्या कर दिन जा वन के पावर आई भाई आई कौन हो तीसरा हो तीसरा आ जेड कौन हो दूसरा हो दूसरा ये बताओ वाई आई वन के पावर क्या बा पांच बा आई वन के पावर पांच बा तो एक के हम के अगर एक के ऊपर माइनस वन के ऊपर सम रहेला सम अगर सम अंक के वर्ग रहेला तो का वैल्यू क्या होला वन आवेला अगर विषम रहेला तो माइनस में आवेला यानी माइनस वन के पांच के वैल्यू क्या आई माइनस वन आई माइनस आई नहीं यानी घर वाला पार्ट हमने क्या होई माइनस आई अगर सम रही तो प्लस होई वही तो देखो है वाला पार्ट के देखो दू होला आई के वैल्यू दू बा आर ए थ्री के वैल्यू का वन बा दू एक तीन के वैल्यू तीन विषम हो एन एम के माइनस हो समझा गई हेलो पॉइंट समझा गई तो एकदम पहले नोट कर लो एकदम तब देखो जब हमने के देख लें या एम वन समझ गए कि एम हमने के ऊप सानी को तो ये जो समझ का अगर को फैक्टर का क्या है को फैक्टर के ऐसे दस हो गया तो को फैक्टर कब निकली नौ को निकली तो मान लो ए वन वन के को फैक्टर निकल गए वाला पार्ट को फैक्टर तो जोन को फैक्टर कहला जोन स खंड कहला उ होला माइनस वन आई प्लस जेड अगर ये आई जे बा आई जे मतलब ए वन वन के मतलब जो आई आई जेड बा इनटू एम वन मतलब एम आई जेड जोन एम निकले बन जा उ को दब ओकर गुणा कर दो तो हमने के को फैक्टर कहला कुछ नहीं करे के माइनस वन के गुणा कर देगा मतलब माइनस वाला है मेन पार्ट वाला इसे मान लो हम के ए11 के निकाले के बाद ए11 के निकाले के बाद तो ए11 के निकाल तो है क्या जो माइनस वन के पावर वन प्लस वन हाई ए11 हम निकाल निकल जी हाई वाला पार्ट ए11 एम वन वन वाला लिखा जी हाई का जी माइनस वन के पावर टू टू के क्या वाला प्लस वाला सम हो तो प्लस हुई यानी हमारा प्लस एम11 आई यानी हम एम11 के मान रखे भैया तो कारण प्लस है जी ने तो माइनस है ये हमने के ई कन्वर्ट कर देबे बा कुछ मतलब ए को फैक्टर ये कहला सौ खंड निकाले जोन ए मा के वैल्यू बा या तो नेगेटिव में आई ना तो पॉजिटिव में ओकर में जो हमने के जोड़ दिया जगह के स्थान पे हमने कहीं नहीं लिखन जा त मालूम है कि ए11 हमने के प्लस होला तो सीधे करके प्लस कर दो एम एम12 का होला नेगेटिव होला या माइनस का जी वही तरी हमने के ए12 के वैल्यू का है माइनस एम12 के बराबर है एम2 निकालम जा ओकर माइनस हो जी काहे कि काहे के ये वाला पार्ट माइनस होला समझ में ये हमने का कहला को फैक्टर कहला को फैक्टर अभी माइनस में समझ में बिल्कुल सी अगला पॉइंट नोट कर लो
ओकर बाद एगो सवाल करूं के तब मन में मय आ जी ठीक अब देखो सवाल लगा दिया जा पहला के कहता एक्सरसाइज 4.4 के नु पहला के ए कहता क्या कहता 2 - 4 - 4 0 3 के कोफैक्टर और माइनर निकालो ठीक मिनर और कोफैक्टर निकालेगा मिनर निकालेगा बा तो पहले हम के क्या निकाल गेला मिनर मिनर मतलब m11 निकलबो m11 के जगह पे का बा 2 बा यानी हमने 2 के क्या निकल लिया अबे 2 के हमने मिनर निकालत हैं या m1 निकालत हैं ओका के 2 से प्रदर्शित करबो तो m11 निकलबो तो ता से बतैला नहीं हो m11 निकाले के बाद तो आई वाला रो आड़ वाला का नाम बन अब ये कौन इवेंट बची ये भाई इवेंट बची का जी 3 हो जी हां ठीक कोई तरी अब हम के m12 निकालो तो बताइए कौन बची m21 निकालो हां 0 m21 निकालो ये तो m21 तो हां 3 बची m21 निकालो जा y21 हां y21 है क्या मिलता तो माइनस m22 निकालो ये तो m22 निकालो या है 22 हो है का जी तो 2 बची ये हमने को गई ले कर मिलो अब मिनर निकल को लग को फैक्टर निकलबो a11 के a11 के को फैक्टर निकलबो ये का होला माइनस 1 प्लस 1 हो जी i प्लस z के जगह पे इनटू m11 तक बताइलो नहीं अब m11 हमके का निकल गया 3 3 हो जी है का जी प्लस है थी का जी हमके 3 हो जी ठीक वही तरी a12 निकालम जा तो बताइयो a12 मतलब 2 और 1 3 और तरीका जी माइनस हो जी 2 1 3 हे से याद करियो 2 1 3 मतलब माइनस जिस समय तो माइनस है का जी m2 के जगह पर का बा 0 तो माइनस 0 में तो का वैल्यू है जी 0 वही तरी a13 निकाल अरे 13 तो ही लिखे a22 निकाल a21 निकालम जा तो यो का है माइनस 2 1 3 3 का है के माइनस हुई तो ये का जी माइनस 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 प्लस 4 वही तो m22 यानी a22 2 2 के 4 यानी प्लस में ये हो गई हमने कही कोफैक्टर हो गई हमने के मिनर समय को ही लेना निकाल लिया समय को ए ना निकाल ए अब एक आदमी कोफैक्टर मिनर दोनों निकाल लिया एक और एग्जांपल देख ले करे के दूसरा के पहला देखो दूसरा के पहला तो उम्मीद देखो क्या क्या दे ले जल्दी अंक बोलो m1 निकालम जे त हई गेला बंद त हम के का बची 0 अरे 1 0 0 1 बची अरे 1 0 0 1 हई जब निकालम जे त रो बंद हई 4 को बची हई गुणा करबे त 1 में से 0 जाई मतलब 0 1 ओई तरी m12 निकालबो त एजा से अब m1 निकाल लेला एजा से डायरेक्ट निकाल द m11 मतलब प्लस में आई प्लस 1 यानी हमने का वैल्यू आई वन सोयाबीन कहाँ से अब हम जो निकालो m12 निकल गा है वाला m12 हो है वाला बंद तो क्या बची 0 0 0 1 एक वैल्यू थी अब 0 0 0 0 - 0 मतलब 0 यानी कि हमने के a12 के वैल्यू क्या हुई माइनस 0 यानी 0 माइनस 0 हो करी a12 का मतलब 1 3 विषम आई विषम तो माइनस वही तो बोलियो m13 का वैल्यू जीरो यानी कि हमने के a21 की वैल्यू 0 वही तो बोलियो m22 के वैल्यू m22 का वैल्यू है 1 है 1 तो 1 में से 1 1 में से 1 में से 0 ये 1 यानी m21 का वैल्यू हमने a
टू टू के वैल्यू क्या आएगी वन, दो दिन के चार एक प्लस में वही तरह बोलियो ए टू थ्री के वैल्यू वन से वन ए टू थ्री हई वाला हई वाला बंद हई वाला बंद तो बाची का अरे ए टू थ्री हई हई वाला बंद हई वाला बंद भाई जीरो जीरो वन टू बाची मतलब क्या बाची वन जीरो 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 मतलब एक और वैल्यू क्या है जीरो माइनस जीरो यानी ये जीरो यानी ए टू थ्री का वैल्यू जीरो नौ दूनी के अठारह को निकल करे के सिंपल बा समझ को ले बार अठारह को निकाल देबो वैल्यू छः को निकाल देनी अठारह को इतने निकाल दो तो ए प्रकार से को वैल्यू आई सही में कोई की हो गई तहार मिनर हाई हो गई तहार मिनर हाई हो गई तहार का को बारे कुछ ना लेकिन लेंदी बा कोरबा तो एक पेज ली खूब पेज ली बार वही तो करी जाहिर सी बात में अगर के ये एक्सरसाइज या पीछे let it, 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 let